हर सुबह एक नई जंग के साथ अब लड़ते रहते हो और वो ये है कि सुबह जल्दी उठे कैसे। हर शाम को अब सुबह के लिए अलार्म लगाते हो कि 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, बार बार अलार्म बंद करते रहते हैं और अंत में उठते अपने टाइम से ही है। सोचो क्या होगा आपका जब आप अपने आप से ही नहीं जीत पा रहे हो, तो फिर जीवन में भला क्या जीत पाएंगे। जो इंसान अपने आदतों पर कंट्रोल नहीं पा रहा हो, वो भला कैसे सफल हो सकता है। जिससे एक छोटा सा प्रॉमिस पूरा नहीं किया जा रहा हो, भला वो बड़ी सफलता की कैसे आशा कर सकता है। अपने आप पर जीत के लिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए एक बार ठान लो, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। जंग तो खुद अपने आप से है। जब आप अपने जीवन की पहली जंग जीत जाओगे, सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दोगे, तब कहीं आपको सफलता की आशा की जा सकती है। जब आप दुनिया में बहुत लोगों के उठने से पहले उठ जाते हैं, उसी समय आप उनसे आगे हो जाते हैं। जब आप अन्य लोगों से 2 घंटे पहले उठने लगते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए साल में 1 महीने एक्स्ट्रा का समय मिलना शुरू हो गया। कहते हैं कि सभी के पास 24 घंटे और साल में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन यदि आप डेली 6 बजे के बजाय 4 बजे उठना शुरू कर देते हैं, तो डेली आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा यानी साल में 13 महीना एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आपके सफलता का राज क्या हो सकता है। कैसे आप अन्य के अपेक्षा ज्यादा तैयारी, ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। जब आप जल्दी उठेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और फ्रेश माइंड में बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से याद हो जाती है। सुबह का 2 घंटा तैयारी के लिए बहुत मायने रखता है। आपके देर से उठने से सारा काम देरी होते चला जाता है। दिमाग में एक तनाव जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि आपके काम सही समय पर या तो हो नहीं पाता या फिर कम समय मिलता है, जिससे दिमाग को उतना आराम नहीं मिल पाता है। कभी हार ना मानने की आदत जीतने की आदत बन जाती है। एक पढ़ने वाला लड़का जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता है, उसके सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं, बजाय उसके जो सुबह के 6 बजे या उसके बाद उठता है। दोनों के मानसिक तनाव स्तर में भी अंतर होता है। 4 बजे वाला लड़का ज्यादा कूल, खुश, प्रसन्नित और दिन भर ज्यादा एक्टिव रहेगा, जबकि 6 बजे उठने वाला लड़का ठीक इसके विपरीत ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं सकता, वो क्या खाक अपने भविष्य को बदलेगा। भविष्य बदलना है तो फिर आज अपने आप को, अपने आदतों को बदलना जरूरी है। आपका आज का बदलाव आपके भविष्य के बदलाव में योगदान देगा। कोशिश कर तू, हल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल अपने मकसद में सफल जरूर होगा। जरा सोचिए उस इंसान की शख्सियत ही क्या है जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसे उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ती है। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अलार्म पर उठने की आदत को छोड़ो। सपनों में मत खोए रहो, क्योंकि याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में विजेता बनना चाहते हो, तो फिर आज सबसे पहले अपने आप पर जीत हासिल करनी होगी। वरना सोचते तो सब हैं कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां जीत का झंडा वही लहराता है जो अपने ऊपर सबसे पहले जीत जाता है।